बाद में भी हम तभी रिफ्रेशर कोर्स वगैरह सब उत्पन्न नहीं। और ये प्रमोशनल कोर्स के लिए शायद खड़गपुर में कुछ था, नहीं सिलेक्शन आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? हमारा सिलेक्शन तो ऑर्डर पर थी, हमारे टाइम में ये नटेशन सीनियर ड्राइवर के लिए स्पेशल ड्राइवर ग्रेड सी एंड ड्राइवर ग्रेड स्पेशल, ये दोनों सिलेक्शन था उसका। ये फोर्थ पे कमीशन में हुआ, उसके पहले नहीं था, सीनियरिटी बेस पे मिल जाता था। और ये 1954-5 के बाद शुरू हुआ, तब तो बहुत सारे जैसे हम 72 में हम एमपी थे वहाँ पे में, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जो कि ड्राइवर बहुत अच्छे थे, मैं कई लोगों के साथ चला हूँ गुड्स में भी और पैसेंजर में, बट लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तो वो मैटर मैं आपको बताऊँ, रनिंग स्टार आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये दो जैसा आपने बोला कि यूरोपियंस इंडियंस एंग्लो इंडियंस ये सब मिलते थे, तो उसमें एंग्लो इंडियंस क्वालिफिकेशन नहीं है मगर फिर भी वो डॉमिनेट करते, उनको सब बेनिफिट मिलता था, वो ग्रेड्स यूरोपियन ग्रेड्स तक के उनको दिया गया। और इंडियंस को पूरा एक स्क्रीनिंग करते थे। और अच्छा, अब नीचे से मान लीजिए एक ग्रेड प्रोफाइल है, सेलेक्शन प्रमोशन सर्विशन से, तो 1954-55 में जो आए डायरेक्ट सर्विस कमीशन थे, कुछ इवन ए ग्रेड में डायरेक्ट से, हाँ डायरेक्ट आया, उनका टोटल 7.5 ईयर ये था क्रैश, उनका ट्रेनिंग 7.5, वो 7.5 ईयर में शेड में भी था उनका ट्रेनिंग और रनिंग में भी। इंडियन थे कि ए ग्रेड प्रोफाइल और अप्रेंटिस और ए ग्रेड मैकेनिकल भी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को डायरेक्ट चार्ज देना आपको ट्रेनिंग आ देंगे, तो वैसे ही रनिंग के लिए भी उन लोगों ने निकाला। उसके उसी टाइम में रनिंग के लिए मान लो उनको एट अ टाइम देखेंगे तो लिमिटेड आदमी नहीं, तब उन्होंने ये स्टार्ट किया। और काशी अय्यर तो बुला लिया ड्राइवर को, तुमको ड्राइवर में जाना है तो हर महीने डायरेक्ट सेंटर के बजाय वो टाइम टेबल देते रहे पढ़वा देते, टाइम टेबल बताओ रूटीन क्या है, बॉडी का मैक्सिमम रनिंग है, बॉडी का ये नॉर्मल रनिंग ड्रेस ही रहे, हाँ बस या इसको कल से इसको नहीं होता है क्यों, बिकॉज मेरे को लगता है समय उस समय ड्राइवर्स का डिमांड था। अभी ये जैसे आपने तो एंग्लो इंडियंस का टाइम देखा हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो था, मैं आपको क्या ग्रेड में तो याद है क्या ग्रेड ग्रेड डिफरेंस तो मैं बोलता हूँ, ड्राइवर ग्रेड सी इंडियन का एक ग्रेड था, कितना मेरे को आइडिया है फर्स्ट पे कमीशन में 130-240 ग्रेड था सी ग्रेड और इंडियन हाँ, और ये एंग्लो यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस उनको 150 और कुछ उनको कुछ ज़्यादा दे 150 से स्टार्ट, हाँ अच्छा माइलेज पेमेंट। इंडियंस को जैसे ट्रिप जाते थे जितना किलोमीटर रन किए किलोमीटर पेमेंट करता था, वो यूरोपियंस कुछ थे उनको किलोमीटर पेमेंट नहीं होता, उनको आवर्स में पेमेंट होता। अच्छा ओवर टाइम उन लोग को डबल मिलता था, उनको घाट सेक्शन अलाउंस सिस्टम होता था, सुना ना घाट सेक्शन होता है, वो इंडियंस को नहीं मिलता उन्हीं को, ये
थर्ड पे कमीशन में फिर सा खराब रहा। फर्स्ट पे कमीशन का भी हुआ था पहले। आप हमको मोटामोटी बता दीजिए किस साल में भर्ती हुए, फिर सेकेंड फायरमैन का फर्स्ट फायरमैन का अपॉइंटमेंट तो मालूम है 1950 का एज क्लीनर। कैसे आए मैंने बड़ा इजी है, मेरे गांव से पकड़ के बनाते थे अपॉइंटमेंट और बच जाते। कितना पढ़े लिखे थे उस टाइम में? मैट्रिक नहीं किया था, लेस देन मैट्रिक और क्वेरी टेंडर है। अच्छा, अंडर एज अपॉइंटमेंट है हमारा सर्विसशिप में अंडर राइट डीन से कोर्ट पे गया एक बार। ये अभी कोई विश्वास नहीं करेंगे तो उस टाइम में क्या है, जो अंडर एज अपॉइंट होता था उनको एक रुपया कम था, वो एज आने के बाद वो एक रुपया दे देते। कितना कितना था एज उस टाइम में? क्या करते थे वॉशआउट करना और ये सब चीजें? नहीं, बहुत सा काम हम लोग करते थे। देखिए मैं ज़्यादातर सुमरा देख टाइप के ही करते थे, क्यों लोग डिक्लाइन नहीं करते थे। फिट मीटर्स वगैरह बोलते थे जब तुम जाओ मेट्रिक करो हेरन थर्टी टू लिखो मट्टी के कितना होना ये देखना, वो लोग काम करते थे स्क्रीन पर देखो और पहले आरओएच का काम देखो उसके बाद आरओएच का पढ़ाना लिखाना और सीएमडब्ल्यू का काम भी आता था। तो मेटलिंग में से मेटलिंग प्लान और एक वेस्ट वेस्ट सोकिंग प्लान होते ना, और जो देखिए ऑयलिंग एक्शन में होता है देखिए कितना बनाते थे और अच्छा हमको अभी याद आ रहा वो प्लांट ये इतना अच्छा एक छोटा सा ये था स्टीम से करते थे और वो होने के बाद जो उसमें से निकलता था ना वो ये ब्रास बेरिंग वाले में पूरा सेट करते थे। वही है बेरिंग, हाँ 3 महीने 4 महीने में एक बार होता था, कोर भी लगता है और इंजन का बड़ा एक्शन बॉक्स है और WG फर्स्ट इंजन आया जो रोलर डली था टेंडर, बट उसका मेन ड्राइविंग व्हील्स ग्रीस आर्ट ग्रीस का और ग्रीस भी वो सब हम लोग देखे हैं ना। उसमें बेरिंग आया पेना से इंजन आया वो आया है गोले पर उसका अच्छा स्पीड रखता था। 1951 से कब तक क्लीनर में थे? 5 साल करीब, उसके बाद सेकेंड पार्ट, उसके बाद सेकेंड पार्ट मैंने उसमें जब सेकेंड पार्ट में गए मेनली सफाई करना पूरा जो होता है करना इंजन को ऑयलिंग करना और वाटर कलर में पानी भरना पूरा तोड़ना। सबसे बड़ा टीडियस है देखिए वो पिट में है नीचे जब फायर क्लीन होता था ऐश बॉक्स उसमें गिरता था तो रेक से उसको तानना पड़ता था। वो भाग जाते इसलिए कौन सा क्लास है और बीसा टैंक एचएस इंजन स्मॉल इंजन भी बोलते थे हम लोग, मगर एक्चुअली बीसा ब्रिटिश क्या उसका फुल फॉर्म हमको याद नहीं तो वो ऐश पिट में जाके रेक से खींचना पड़ता था, वो चक्कर के बीच से घुसते थे सर और आगे पीछे रास्ता नहीं रहता। अच्छा कोचिंग ट्रेन जब जब के सेकंड फायर में बने तब तो कोई नहीं वगैरह था नहीं कल से जाओ फायर में बस कल से जाओ और ड्राइवर सिखाएगा जो नो ट्रेनिंग था वो सीनियरिटी से दे देते हैं। और एज ए सेकेंड पार्ट में अप्रिशिएटिंग कम से कम मैं 3 साल किया फर्स्ट पार्ट
कोचिंग में था। ये ट्रेनिंग कब से शुरू हुआ? ट्रेनिंग का सेकंड फार्मेंट से ट्रेनिंग शुरू हुआ। सिग्नल विग्नल का ज्ञान जो है वो ही बताया आपको। नया नया ट्रेनिंग स्कूल होता है जिसमें कुछ नहीं, अच्छा उसमें कोई नहीं खाली हमारा ये जो उनको ऐसे कोई इंस्पेक्टर वगैरह मिलते हैं ऐसा करने से ठीक रहेगा सर वो। हाँ यस कर रिटायर्ड ड्राइवर्स को कुछ सैलरी में अपॉइंट कर लिए, वो ड्राइवर लोग कुछ लेक्चर देते हैं बस सेफर की, टाइम टेबल देखना ये वो बनाना वो टेबल कैसा है ये सब, अच्छा ग्रेडिएंट में ट्रेन को कैसा ड्राइविंग करना, साइडिंग यूज़ करना सर, ये सब चीज़ जो मोटा मोटी लोग जानते थे बता देते हैं। बट एक चीज़ बताइए, आप बुकिंग क्लर्क को कितना पैसा देते पैसा? नहीं कोई वो हफ्ता नहीं दे सकते बुकिंग क्लर्क ना मैंने कोई आटे को ना ना। बट एक तो हार्ड लेबोरियस वर्क आदमी नहीं मिलते थे काम करने, घबराते वेरी डिसिप्लिन टाइप और ये इंडोनेशियन लोग बहुत बदमाश रहते भागते थे, बेंडिंग करना इट इज नॉट अ जो ये छुट्टी लेना है या कुछ और करना है उस टाइम। बट बुकिंग के लिए फोर मैन यूज टू रिक्वेस्ट या तुम जाओ भाई वो कैसा भी हो रिक्वेस्ट करते अच्छे जो स्टाफ थे उनको, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये भी था हमारे बठिंडा पंजाब में स्ट्राइक स्टाफ स्ट्राइक के बाद में, तो वहाँ पे इशू ये था जब मैं वहाँ गया 15 दिन में शहर में फिकर था, तो वहाँ पे लोग कंप्लेन का ये था कि वो जो वहाँ पर बुकिंग क्लर्क है उसको आई थिंक 2 रुपीज़ या वन रुपी 2 रुपीज़ वैसा उससे ज़्यादा उनको रेगुलरली देना पड़ता था, नहीं तो उनको बुकिंग नहीं देते। मैं नया नया था कुछ मालूम नहीं था मगर देखिए वो सही है तो बात करता 1972 जी देखिएगा मैकेनिकल स्पेशल मैकेनिकल होकर मैं जानता हूँ अपना प्रैक्टिकल स्टाफ की इतनी कमी थी देखिए नो लिमिट और ड्यूटी और इन लोग बुकिंग करने की जरूरत पे मिन्नत करके बुकिंग करता मैक्सिमम आपका जैसे ये कैनावर रूट वगैरह तो बाद में बहुत कैनावर्स का 71 के बाद आया ड्यूटी अवर 1971 में फर्स्ट LRS स्ट्राइक हुआ उन लोग ने वो ऑल इंडिया वेज ने ये सब काम करके बहुत बड़ा डिमांड किया था। तो वो जमाना में देश में वो टाइम में सिर्फ साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ 14 आवर बुकिंग हुआ। उसके पहले तो ड्यूटी आवर्स था ही नहीं, इंजन से चढ़े हैं आपको जब वहाँ डिस्टिनेशन में आएगा जब वो उतारे पहुंचेगा रह के एनिमल उनको इसको बैल होगी वो शाम होने से कम किसान छोड़ देते इनको नहीं फोर डे हम काम किए आप बिलीव कर सकते 30-40 आवर्स ड्यूटी किया गया 30-40 आवर्स कंटिन्यू नो पेमेंट नथिंग नो ओटी कुछ नहीं हम लोग देखा हम लोग किया अभी उसी में तो बच जाता था। अभी आप ये भी सुना होगा कभी कि जब लोगों को में सिर्फ पुराना आदमी जो मिस्त्री लोग हैं गांव से आते हैं काम करते उनको बोलते थे कि जा रहा है गांव से लड़का लोग तो आओ अपॉइंटमेंट काम करने के लिए आती नहीं ऐसा बोल के मनाते थे। वो तो जैसे PW वगैरह को जमाने में ये जो EWR डिफरेंट रेलवे में डिफरेंट नाम पावर में भी EWR एसेंशियल वर्कर रिक्वायरमेंट तो एज AME मैं भी वो EWR सेंड करता हूँ कि जितना भी चल रहा था उसके बेसिस पर फोर मैन जिसको रखें
या पी डब्ल्यू आई जिसको रख लें, तब कोई वैसा वो नहीं था. दे वर ऑल दे वुड कंटिन्यू ऑन कैजुअल फॉर इयर्स, कैजुअल में ही रहते थे. और इवन अप टू 70s इंडियन डिपार्टमेंट में जो है कैजुअल उनका कोई सीनियरिटी नहीं, तो कुछ उनको देखने वाले रहते. तो जब 30 साल के अंदर ड्यूटी हो जाता आप क्या कैसे उसको कुछ नहीं कर सकते बिकॉज रूल हार्ड एंड फास्ट रूल था और डिसिप्लिन लाइफ था. और अगर सुन लिया लोगों को मन या नहीं अपनी भाव बुरी तरह ठीक है तो कैसे चलाते हड्डी और फिनेस्ट मंगो तो नहीं देते. हाँ अरे कंटिन्यू 15 दिन से हमारा नाइट्रिक हो रहा है, हमको थोड़ा सा नाइट्रिक ब्रेक करो. वो बोलना हम लोग सीखे तब मन आपके लिए स्पेशल ड्राइवर होने के बाद हमने बोलना चाहिए. मैं नटेशन को बोला बोलिया साहब कंटिन्यू 3 नाइट्स होता है ये दानी दानी. हम तो एक साइड तो करिए और शुभ मत कराइए क्या एक तब वो पीएनएम मीटिंग में वो भी ऑफिशियल ऑफिस में नहीं किया था पिछली यूनियन वाले लोग बैठा है बाकी नेशन एक सेफ्टी में प्रॉब्लम होती है वो ये कि कितनी देर तक आदमी कंसंट्रेट कर सकता है. यस क्योंकि पे आप बात कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे कुछ कंसंट्रेशन नहीं. हम लोग तो दो चार घंटा तो जैसे हम 7-8 घंटा तक ऑपरेटिंग किए हैं right from Delhi to Jalandhar. तो हमारी तो हालत बहुत खराब हो गई कि जलंधर पहुँचे तो हमने कहा कि बट आप लोग जैसे जो सेकेंड फायर में फर्स्ट फायर में खास कर जो फर्स्ट फायर में निकाल दिल्ली को या साकार कितनी देर में वो लोग कंसंट्रेट कर पाते मैं एज ए ड्राइवर 18 आवर्स 18 टन्स रहता है डब्ल्यू जी लोग कोयला फ्रॉम बिलासपुर टू डोंगरगढ़ 133 किलोमीटर उसमें 1800 क्यूबिक कोयला हो गया और ड्यूटी आवर्स 15 या 16 घंटे हुआ. देखिए 18 टन्स कोयला तो आप उसका कंसिडर तो नहीं करें. 1821 टन्स लोड किए और नाइट ट्रिप हुआ इन बिटवीन सेक्शन में वाटरिंग हो गई लेते थे और ऐसा बहुत सी चीज है सर. आपके आपका इम्पोर्टेंस वाले को मैं तो बहुत बता सकता हूँ. अभी यह है कि बेसिकली जो ड्राइवर होगा उनसे पर्टिकुलरली कंफ्यूज में होगा. जब लेन पे आ जाते हैं तब लाइफ जो है सुधर जाती है. जब तक रूस में होते हैं तब तक तो नहीं कुछ. अब तो अभी तो रूल बन गया कि भाई 2 आवर कॉल चाहिए 4 आवर कॉल चाहिए तब तो कुछ भी नहीं. पेमेंट होगा देखिए फीचर लेस्ट पेमेंट होगा अंडर लिस्ट पेमेंट होगा बट काम तो करा सुधर जाता है. 20 घंटा तो आप कोई नहीं करता. नहीं करा करने वाले कर रहा है गार्ड लोग ब्रेक टू ब्रेक काम करते हैं. गार्ड लोग को क्या है गार्ड लोग पैसेंजर गार्ड को क्या है उसको बैठना है. रूट गार्ड में थोड़ा झटका लगता है. पैसेंजर गार्ड में कोई लोकेशन का भी नाम ठीक क्या है नहीं नहीं अगर भी कर रहे हैं 15-20 घंटा आप मान लीजिए 15 घंटा तो कर रहा है 20 घंटा नहीं 20 दिया है. क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए उसने डिमांड किया भाई हमने लॉन्ग ऑफ हो गया हम डिमांड किया तो उनको और हमको बिलीव तो बिलीव लाए नहीं सकता कहाँ से लाए. अभी तो आज तो उस टाइम में उसका ड्यूटी और रिफ्यूज भी कर सकता है. जब आप ये नहीं थे ड्राइवर अगर रिफ्यूज करे तो दूसरे दिन ए एन ई के पास उसकी पेशी हो जाती है पहले बुक ऑफ हो जाता. तो
डायरेक्ट पनिशमेंट, कोई चार्जशीट थी, वो कहता था मुझे चार्जशीट दे दीजिए लेकिन बुक ऑफ मत करिए। बुक ऑफ में भी उसका माइलेज खत्म हो गया। हमारे यहाँ ये लोग देते थे बुक ऑफ, देखिए वो पनिशमेंट में नहीं रखता, आप जो है उसको नहीं रख सकता। देखिए कभी कभी क्यों जानने के लिए उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के बाद भी पर्सनल ब्रांच का सर्टन रूल नहीं है, उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं इम्पोज नहीं हुआ या रिवॉर्ड नहीं है, बट वो किंग्स में बुक ऑफ किया तो उसका पेमेंट नहीं है ना। पर्सनल ब्रांच को अलग मिलते हैं तो लोग दे देते, वो सब कटवाने का तो ऑपरेटिंग वाले नहीं कर सकते। अच्छा करते भी नहीं साउथ ईस्टर्न थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ था ये इम्पोर्टेंट बात थोड़ा कंडीशन नॉर्थन रेलवे सेंट्रल रेलवे में बहुत बैकवर्ड था। सेंट्रल रेलवे को हमने देखा इतना लिटरेसी था, वो बेचारे जानवर से निकलता, मगर साउथ ईस्टर्न रेलवे में ज़्यादा घुसे बैठे लोग, जब ज़्यादा घुसे सिगरेट प्रोग्राम में आए तो फिर अपना डिमांड अपना डिवाइस और रेलवे भी साउथ ईस्ट रेलवे के ऊपर ज़्यादा लिख रहे हैं उसमें, क्योंकि मेन साउथ ईस्ट रेलवे में मेन होना यह जो भी इम्प्लीमेंट होता था हमारा रेलवे हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन फर्स्ट, साउथ ईस्ट रेलवे डिजिटल साउथ ईस्ट रेलवे सिग्निफिकेंट ये जो नाटक है दोनों को टाइम में इलेक्ट्रिफिकेशन को मैकेनिकल का बोर्ड बनाया जाता था, इलेक्ट्रिफिकेशन आ रहा है इसके लिए जो प्लान किया हम लोग के सी एम ने बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको भी इनको लेने के लिए तब वो डी एम ए ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक जनरल रहते थे आदमी आपको पता होगा सर, वो जनरल वाले जो है आपके घरों में लाइटिंग वाइटिंग मीटर वगैरह देखना वही था पूरा रूम साउथ ईस्ट में एक भी वो टेक आउट किए सर के और उन्होंने सब स्कीम बनाया ये उनके साथ कुछ लोग थे ट्रेन स्कूल का ट्रेन स्कूल का कहाँ कहाँ से कैसा लेना है, फिर ड्राइवर तो वही हुआ टूरिस्टिंग के लिए तो ट्रेनिंग स्कूल लाए इंस्ट्रक्टर को लेके आए, मैंने यही से डीजल वाले से लिया डीजल स्कीम क्या पूरी जब जब तक बस ड्राइवर बनते हैं फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हैं उनके बच्चे हैं वरिष्ठ कहाँ से अच्छा लगे हफ्ते में तीन दिन चार दिन रहता, आज भी मैं सोच रनिंग स्टाफ का फैमिली लाइफ वो नहीं गई क्योंकि आज भी अभी जो आजकल ये है ना कि स्पीड तो फास्ट हो गई है, ट्रेनें ज़्यादा हैं, फिर लाइट भी आ जाते हैं, लोग सेलफोन हैं फोन है मतलब तो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं घर का तरफ खबर ले सकते हैं, आपके ज़माने में तो गए सुबह गए तो गए कुछ खबर नहीं कब आएंगे क्या होंगे, तो फैमिली लाइफ और उसका लाइफ भी हमारे टाइम में कुछ नहीं जी हो, हम यहाँ तक के हमको अभी भी पछतावा होता है जैसे कुछ त्यौहार आता था होली है दिवाली है वो टाइम में है बच्चे और वाइफ मत जाओ लाइन में छुट्टी मांगने से ले देते थे और रोते थे बेचारे, अच्छा स्पेशली हमारी वाइफ को तो मैं अपने रोते हुए मिले ये समय होली के समय बहुत
मैंने चंडाल काम करते थे उस एरिया में। अभी तो काफ़ी पुलिस रिएक्शन होकर बहुत सुधर गया, पहले बहुत गंदा काम था रात का समय, तो घर में आदमी नहीं बोले से डंडा जानकर मारना पत्थर मारना और ये सब करते थे। तो बेचारे रोते थे आज के दिन तो कम से कम बच जाओ, रात को सुबह भी चले आना, मगर क्या मजबूरी है। आज यही है कि गवर्नमेंट साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब कुछ पैसा बांट के वो बंद करती है, एक टू वो एक टू स्काईलैब बिना स्काईलैब हाँ स्काईलैब एक टू हुआ था यूपी पूरा वाला फुल नाइट मुसान का याद है कौन सा ये 89 88 का तो मैंने उससे पहले कहा। तो उस टाइम में पहले से एडवांस हो गया ना, पहले से इन्फॉर्म किए कि टाइम में बाहर मत जाओ उसको देखो मार दिए। तो हम लोग रिलेटिव इंजन रूट्स में चल रहा था तो सामने ग्लूकोन ग्लास में पेपर को पेस्ट शाम को जो निकल रहा था ग्लूकोस में किया। और एक साल के बाद गवर्नमेंट वो डेट में जो काम किए उनको एक्स्ट्रा फंड जैसे अभी देते हैं ना नेशनल वॉलंटियर ऐसा। बट अभी तो जैसे वो जमाने में जब जो अनस्किल्स का विषय में अगर क्योंकि जो मैंने देखा सहार जो यंग लड़के थे क्लीनर से बहुत लोग तो रिफ्यूज करते थे कि रनिंग स्टार्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन रनिंग स्टार्ट में इसलिए आते थे क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता था। तो आपके टाइम में कितना ज़्यादा मिलता था अगर आप रनिंग में जाएँ और दूसरा स्टेशनरी में कितना ये आपका छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, पैसे के फर्क से नहीं जा रहे थे। एक एज ए ड्राइवर जब सर्विस करते थे हमारा जैसे कुछ चैनल ओपन भी हो गया बाहर जाने का, मैंने स्टेशनरी जॉब पे सेट फोन पावर कंट्रोल सर, तो वो रिफ्यूज करके हम लोग एज ए बस ड्राइवर ही काम करते। तो उसका मेन रीज़न ये था अपना ड्यूटी के बाद अपने कोई पूछने वाला नहीं था इंडिपेंडेंट, और स्टेशनरी पोस्ट एंड अदर सुपरवाइजिंग पोस्ट बहुत ये है, ये बड़ा इंडिपेंडेंट पोस्ट। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रनिंग में जाएं तो आपको फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब है लेकिन पैसा जो आपके जमाने में कितना था? खास फर्क नहीं था, बहुत कम था। ये फोर्थ पे कमीशन के बाद बढ़ा है। मैं रिटायर हुआ 1642 ये स्पेशल रह गया। कुल मिला के कितना मिलता था स्पेशल रनिंग कंपनी तुम तो जानती है ना, मेरे को बताइए मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये कोचिंग को एक्स्ट्रा नौ एक्स्ट्रा और क्या। इसलिए कब फिफ्थ पे कमीशन से तो बढ़ा है सर, नहीं तो 92 में तो मेरे को भी 3,000 से कम मिलता था। आप बोलो देखिए ए डब्ल्यू ए एम भी हो गया है, हम लोग को बहुत ये बोले स्टेशन पोस्ट में आओ ए डब्ल्यू सेलेक्शन में आओ आप लोग को मिल जाएगा ये बार, वो काफ़ी इनको पता है देश प्रशन में हमारा बड़ा टॉप में था बड़ा ऑफिशियल किसी सब। तो हमारे शरीर के 2-3 और थे सबको बहुत नडिशन भी होता है तुम्हारा ए डब्ल्यू में भी लेना हम चाहते हैं, बोला नहीं सर ओके अब थोड़ा सा पीरियड है काट लेंगे। क्यों? एक तो रिटायरमेंट बेनिफिट और दूसरा इंडिपेंडेंट जॉब ड्राइवर जॉब इंडिपेंडेंट जॉब
जो मैंने कंफर्ट फील कर रहे हैं, जो अपने ड्यूटी से ठीक कर लेते हैं, उनके लिए तो यही है बड़ा इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिजिकली जैसे वो तो है, देखिए कुछ तो रहेगा, बट मान लीजिए 8 hours ड्यूटी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए, 8 hours के बाद खत्म हो, हम अपना ड्यूटी कर दिए बस खत्म। मगर अभी रात को 2 बजे यहाँ सोने जा रहा है, DME को फोन आया, वो आई ये आ गई, वो ड्राइवर बैठ गया, वो ड्राइवर फेल हुआ, उसका अकाउंट में फेल हुआ, इसको 10 रुपए पावर कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर वो हमारे यहाँ JDI वगैरह SLI वगैरह थे, वो 10 बात सुनते थे ATM से चैटर्जी थे, बुरी बात। कोई आपका कभी एक्सीडेंट हुआ आपकी भूल से? नहीं नहीं कोई नहीं। एक तो आपके अगर बस मेरा 41 ईयर्स टोटल है ड्राइविंग से एक्सपीरियंस, पूरा 20 ईयर्स मान के चलिए 35 ईयर्स, उसमें एक बार नहीं दो बार डेवलपमेंट हुआ, एक हमारा हुआ हमारे गलती से, क्या पॉइंट 2 वे हो गया था, पॉइंट उसमें 6 मंथ्स इंक्रीमेंट स्टॉप किया, और एक बार सेक्शन मिड सेक्शन में डेवलपमेंट हुआ, मगर उसके लिए क्या करेगा कुछ, वो हमारे ऊपर नहीं, बट हमारा ये बताइए आपको उस जमाने में ड्राइविंग की है जबकि स्पीडोमीटर तो लगने शुरू हो गए थे, बट स्पीडोमीटर जैसे हम जब ANV थे तो स्टीम लोगों में कोई स्पीडोमीटर नहीं है, और ड्राइवर को ऐसे डिलक्स चलानी है तो वो टाइम का पावर था, उसमें मेकअप 10-15 मिनट का था ज़्यादा नहीं, बट उनका इतना सेंस हो गया था कि वो जैसे हम लोगों को सिखाया गया कि भाई आप टेलीग्राफ पोस्ट काउंट करके स्पीड कैलकुलेट करें, तो हम लोग कंटिन्यूसली फोन ही गिनते रहते हैं, लेकिन वो ड्राइवर लोग जो थे अपना थॉटिंग पे है और देवर डेड एट 90, अगर आप काउंट कर लीजिए तो वो 90 पे रहता था। तो ये जैसे ये काबिलियत जो है, ये स्किल जो है, ये कितनी देर में आता है कि जो आप एक वो फिजिकल सेंस डेवलप होता है कि कितना स्पीड जो अनुभव होता है कि फिर मैंने ये आदमी कितना तजुर्बा कितना बार आता है। देखिए अभी डायरेक्ट असिस्टेंट ड्राइवर में अपॉइंट हो गया, कोई तो नीचे से नहीं आ रहा अब क्लीनर तो है, तो वो उसको कम से कम ड्राइवर होते तक के ऐसा बहुत सा चीज एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो ड्राइवर में मान लीजिए स्पीडोमीटर नहीं काम करता, तो स्पीडोमीटर है 3 स्पीडोमीटर है आपको नहीं, अभी मैकेनिकल है मैकेनिकल है हाँ, अभी मान लीजिए स्पीडोमीटर काम नहीं करता तो हम तो नहीं कर सकते ना, हमारा टाइमिंग हमारा स्पीड का बट कैलकुलेशन शुरू किए तब स्पीडोमीटर ठीक है, स्पीड का MPH हमारे अगर मीटर लगे थे स्टीम इंजन पे WP इंजन पे था, कोचिंग में जिन करते थे उसमें नहीं, कोई वीडियो टाइप में मीटर MPH। एक चीज़ इन्होंने बोल रहे थे जैसा ट्रैक का जो कंडीशन होता है ना, एक तो स्पीड इम्पोज होता है टेम्प्ररी और परमानेंट, बट इनको मालूम चले जाता है कि एक ट्रैक कहाँ तक सस्टेन कर पाएगा, जैसा उसको कभी कभी वर्ल्ड स्पीड में भी जाते हैं तो दे कुड गेस इस ट्रैक का इतना तक ले पाता, तो समटाइम्स दे डू ओवर स्पीड ऑल्सो, ऐसा भी बॉम्बे हाँ, तो ट्रैक का देखिए पूरा रहता है, ट्रैक का सेंस जो है ना ड्राइवर पूरा रहता है। अभी पानी बोलिए ना हाँ, मैं फायरमैन था, कुआ में टी पक्षी करके बैंगलोर में था, नागपुर डिवीजन जस्ट भंडारा के पास, इतना पानी था तो वो रोक दिया स्टेशन मास्टर खुद रोका, उसके बाद वो ट्रेन निकालने के लिए स्टेशन पूरा रिपोर्ट दिया कंट्रोल में, तो कंट्रोल बोलता वो ड्राइवर को बोला DB से बात करें, तो ये बात अब तो DBOs और DDN तक चला गया। क्या बात
यार्ड पे पानी भर से गवा एक फुट पानी चाय को तो ऑफसाइड रोक दिया सर, और स्टेशन सेक्शन में इतना पानी है ये पूरा रिपोर्ट दे दिया स्टेशन मास्टर, और ये रिपोर्ट चला गया कंट्रोल ऑफिस से डीएम सब हो गया। तो बोले ड्राइवर को बोलो बुला के वो बात करेगा फलाना साहब से, तो वो बोलता हमको क्या जरूरत है एंग्लो में तो बड़ा देरी थी वो बोले हमको क्या जरूरत है तुम जानो तुम बात करो बोलो ड्राइवर बोलता हमको क्या जरूरत है। तो DOS पर्सनल इसको बोला DOS बोला पक्षी को और DOS बोला कोई मत बात कर हम बात करते और वो बात किया। अब वो क्या बात किया तो मेरे को उतना ठीक से याद नहीं है बट पोलाइट बात कर आप डिसीजन लीजिए आप जा सकता है तो आप प्लीज देखिए प्लीज देखिए। वो आया थोड़ा दूर तक के देखा स्टेशन जो भी एरिया से उसके बाद कॉशियसली फिर तो ऐसा ड्राइवर का एक्सपीरियंस है अपना आजकल भी होता है ड्राइवर हाँ ड्राइवर का एक्सपीरियंस है। अभी देखिए कोचिंग में उस वक्त मेन ड्राइवर बना बोलने से उसका नॉट लेस देन 35 ईयर सर्विस तो 35 ईयर सर्विस में बहुत कुछ वो जाना है DENE आके देने से सर्टिफिकेट नहीं की जरूरत हो अभी हम लोग मैन्युफैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो एक गैंग में बैरफ लगा खड़े हो जाते तो कभी कभी लोग बोलता रहा देखिए आप ये करिए अगर आप सोने निकालने का लायक है तो निकाल दो क्यों बोले से फीडर में बहुत दूर में है वो कब आएगा क्या है कोचिंग दिन खड़ा तो वो डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं कुछ ऑफिशियल रहता है यूज करना जाए और एक एक इंडिविजुअल का ऊपर उनका ट्रस्ट लेवल भी होता है। वो फलाना ड्राइवर है फलाना मास्टर है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे वो पावर कंट्रोल जैसे में हाँ तो वो हर ड्राइवर को नाम से जानते नाम से हाँ तो कुछ पावर कंट्रोलर से जिनका की रिस्पेक्ट तो कुछ सीट अगर हमारे यहाँ केवल केशन करके CPR से चीफ पावर केवल का ये था कि वो हर ड्राइवर को जानते एंड आई हैड अराउंड 70 odd मीडियम तो वहाँ पे मैं मेबी 20-30 ड्राइवर्स को साल भर में जाने लगा था जिनके साथ ट्रैवल अगर बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी ड्राइवर के साथ ट्रैवल करें तो आप खुद रहना वो नाम याद रहता नहीं तो कुछ या किसी का चार्जशीट वगैरह है हाँ वो नाम याद हो जा सकता तो जो पावर कंट्रोलर्स थे वो देवर इवन टूडे I know that happened today. A good TLC or power controller or even a engineering controller will know all his PWIs. A good signaling controller will know all his SIs. If you always talk about it, then when there is personal involvement, then respect will be given. Otherwise, it's not. No, no, Pagar sahab, when I'm looking at this, there is no thing in the middle. Nahi kar paate sir. हमारे पीरियड में थोड़ा सा की है आजकल क्या है सब रूल्स ज़्यादा है आपको काम करना पड़ेगा हम नटेशन का टाइम में एक बार 59 नॉर्थ इन कोटा डगोरा एग्जाम का फेल हो गया न्यूट्रल सेक्शन बियॉन्ड माई लिमिट ट्रबल शूटिंग जो है सर्टन तो लिमिट है ना ट्रबल शूटिंग तो उसमें कुछ काम हम लोग करना है कुछ काम नहीं करना तो एक टुकड़े था इसको हमको टैबलेट देना हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन विद्युत सेक्शन में रात को मैं खड़े हो अभी बात भी करने जाऊँगा टाइम लगे माई ओन रिस्क मैं उसको वेस्ट कर दिया और सेक्शन क्लियर कर और उसके बाद और खड़ा कर और PLC को मैं क्लियर मैं रिपोर्ट दे दिया PLC वो नहीं बोल सकता है उसी कंडीशन में लाओ क्यों
रोड पर बारिश ट्रांसफॉर्मर पूरे जल जाए तो प्रोटेक्शन उसका। तो बी जैन ग्लैन ने उनसे कॉन्टेक्ट किया, बोले कुछ मत बोलो, वो ड्राइवर से बोला गाड़ी लेके आए, जो होता है तुम लेके आए। बोले देखो भाई हम बियॉन्ड लिमिट नहीं जाएगा। मैंने डी साहब बोला ऑर्डर नंबर दो, क्यों आप फॉल्स ऑर्डर नंबर भी दे दो, मगर सीनियर डी ग्लैन उनका ऑर्डर नंबर दो, वो दिए क्यों नहीं गया। अरे आप जो भी समझ लो कुछ मेरा भी जो कहना हो आप जीरो कर दो या मेरे को आप कर दे दो, हमको मालूम है आपको कुछ ये नहीं, आपको ये रिकॉर्ड से एक्शन लेने का कोई टाइम नहीं है और आपके हाथ में भी नहीं है, या आजकल कुछ डॉक्टर है, कोई डॉक्टर एक सवाल पूछता है फिजिशियन, कोई डॉक्टर आपके अंदर लेके आपको कोई दवाई देगा और कोई गड़बड़ा जाएगा कुछ नहीं करता है, नॉर्मल रूटीन है। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट जो है ये जरूरी नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपना काम जाने पाए, लेकिन आजकल तरीके हैं साइकोलॉजिस्ट में जैसे कि मेडिसिन में है या किसी भी चीज़ में है कि आप एक आदमी की काबिलियत को पढ़ सकते हैं, उसके एटीट्यूड क्या है, काम में उसका लगन है कि नहीं, उसका बेंट ऑफ माइंड किस तरह है, सब कौन सा काम बेटर कर सकता है, तो ऐसे टेस्ट इंटेलिजेंस कितना है उसका, तो सही हाथों में ये टेस्ट को बहुत अच्छा, लेकिन गलत हाथों में मैंने ये साइको टेस्ट लाइफ से करी डीआरएम का है, तो मैंने सिकंदराबाद में पहली बार देखा कि साइको टेस्ट में क्या है। आई वॉज डिस्गस्टेड विद द वे इट वाज बीइंग डन, एक तो उनके पास एक ही पेपर था वही सारा रिपीट होता था, तो जो स्मार्ट ड्राइवर थे उनको जाने से पहले ही पता था कि वाला क्वेश्चन भी ये लिखना, तो ऐसे क्या ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी का टाइप है उस तरह, जिसको मैंने और आजकल जैसे कंप्यूटर का टेस्ट होता वगैरह कुछ लोग ऑब्जेक्टिव टाइप कभी देखे ही नहीं थे, उनको आप हर भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे तो पूरा वैसे मोस्ट रनिंग स्टाफ होल देर टू बी सेवन लिमिटेड टेस्ट टीम में बहुत सारे लोग थे जो कि डिजिटल में क्वालिफिकेशन में पास नहीं करते थे क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं सकते, उनको सर्किट दिखा रहे थे वो सर्किट क्या समझे क्योंकि कितना ही पढ़ना ही नहीं आता था, तो वो एंड में कुछ डिवीजन थे जहाँ पे कि मेल एक्सप्रेस सारा डिजिटल से हो गया, तो वो बेचारे स्कीम में बहुत अच्छे ड्राइवर थे लेकिन लिखाई पढ़ाई की वजह से दे कुड नॉट गो टू मेल एक्सप्रेस, क्योंकि मेल एक्सप्रेस स्कीम में था ही बनारस डिवीजन में ये किया जाता वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि मेल एक्सप्रेस के लिए आपके पास ड्राइवर नहीं है, तो आप जो है गुड्स ड्राइवर को मेल एक्सप्रेस दे रहे हैं तो गुड, और जो पैसेंजर ड्राइवर है वो बेचारा स्कीम में ही लगा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस की वगैरह, तो साइको एनालिसिस में यही प्रॉब्लम है। एक और नई चीज जो आई है वो सिमुलेटर की है, मुझे अभी अभी क्लियर अबाउट आई हैड इंस्पेक्टेड द सिमुलेटर व्हेन आई वाज इन बर्लिन, जो सिमुलेटर आया था मैंने इंस्पेक्शन किया था, तो मैं एमएल के साथ वहाँ पे कंपनी में गया, वहाँ पे उनका बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, एक तो है कि टेक्नोलॉजी मशीन है, लेकिन उस मशीन को कैसे यूज करना है यू नीड समबडी टू अंडरस्टैंड, उन लोगों के साथ बात करके मेरे को बड़ा ही चीज़ बड़ा क्लियर हो गया। आपको सिमुलेटर जब कोई ड्राइवर पहली बार उसको सिमुलेट कर सकता है, दैट मीन्स ड्राइवर रेड सी में सिमुलेटर की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसने कभी इंडक्शन लेवल में उसको उसने कभी हैंडल देखा है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, एटलीस्ट उसको उसको उसने ड्राइवर को ऑपरेट करते देखा है लेकिन प्रैक्टिस किया नहीं, तो उसको आप सिमुलेटर लेकिन इंडियन रेलवे आई डोंट नो टुडे आई हैड दिस डिस्कशन विद देम एंड देन बट for confusing. I said, do not use it for other languages.
यूनिक फॉर गुड्स ट्रैकर्स। इंडियन रेलवे में उस टाइम ये था कि राजधानी ड्राइवर को सिमुलेटर में लाना। अब राजधानी ड्राइवर वो जैसे आप कह रहे हैं कि 40 साल उसको ड्राइविंग किया है या ऑपरेटिंग किया है, ही इज ऑलरेडी 55 ईयर्स, 50 के ऊपर ही है। 50 के ऊपर आप नए स्किल्स नहीं ले सकते। जो स्किल्स आपके पास है, जो फिजिकल कैपेबिलिटी है, वो आप कंटिन्यू कर सकते। कोई नई चीज़ आप एडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके फिजिकल कंडीशन, अगर उसकी रिस्पॉन्स टाइम स्लो है, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंट्रीज में जब कोई ड्राइवर आता है, उनके यहाँ असिस्टेंट तो है नहीं, उनके पास कोई ALPL असिस्टेंट ड्राइवर नहीं होता। लोगों में एक आदमी है अकेला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप असिस्टेंट लगाओ और तो 10 साल असिस्टेंट कराओ फिर वो सीख जाएगा। वो लोग क्या करते हैं कि नए लड़के लेते हैं, उनको पहले एक दो महीना पढ़ाते हैं, उसके बाद सिमुलेटर पर ट्रेन करते हैं, उसके बाद जाके ड्राइवर। ये जो मैडम छोटा के ड्राइवर होता है, मैंने उसकी ट्रेनिंग दे दी। एक नए लड़के को लेते हैं, 1.5 महीना उसकी ट्रेनिंग, 1.5 महीने के बाद वो टेस्ट के बाद सिमुलेटर के बाद में वो ट्रैम चलाता है। और ट्रैम में ये है कि हाँ ज़्यादा लोड नहीं है, स्पीड भी हाई नहीं है, लेकिन जितना भी उसको स्किल चाहिए वो सब उसको 1.5 महीने में वो सिमुलेटर में होता। तो मुद्दा ये है कि इशू इज दिस दैट जस्ट गेटिंग द सिमुलेटर डज नॉट मीन दैट यू विल नीड द गेट दिस स्किल्स। अब हु आर द पीपल हु विल डिसाइड कि सिमुलेटर का यूज कैसे होगा, इज अ साइकोलॉजिस्ट, नॉट एन असिस्टेंट इंजीनियर और DNE और CNE वगैरह जो वहाँ पे सिस्टम डिजाइन करते हैं, जो एक्सरसाइजेस डिजाइन करते हैं, दे आर साइकोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि ठीक है सीनियर DNE को लगा दिया कि भाई आप सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करो। तो वी आर नॉट यूज दी सिमुलेटर विद दी, बट डू आई हैव एक्सपीरियंस, सॉरी आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, बट दिस इज व्हाट आई सॉ इन योर। एक चीज सर, अभी इस साइकिल में है आप 41 या 45 की बात आप देख रहे हो, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा एडमिनिस्ट्रेशन उसको ड्राइवर से। मुझे पता नहीं अभी क्या साइकोलॉजिस्ट का क्या रूल क्या है, तो जब रिक्रूटमेंट होता उस टाइम होता। हाँ वो तो होता, उसके बाद शायद गुड्स के टाइम होता क्या, नहीं और तो दोबारा सर सेफ्टी कैंप वगैरह। आई डोंट सेफ्टी कैंप इज देयर बट साइको आई थिंक वंस इन द नॉट द आप जैसे इंस्पेक्टर ड्राइवर का भी होने लगा था। आई डोंट नो द रूल RDS जो है ना, बट आई डोंट थिंक उस लेवल में फिर हो रही है। आई हैव नॉट सीन सर। बट एक चीज है, एक चीज सर मैं एक चीज पूछूं रिगार्डिंग दिस फैटिग। ड्राइवर का जो फैटिग एक होता है ना, सम आवर्स ड्यूटी करने का बाद और इंक्लूसिव रेस्ट इनको नहीं मिल पाएगा, जो फैटिग फैक्टर होता है, फैटिग फैक्टर जो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, जो मिनिमम इतना घंटा रेस्ट होने का बाद फिर वो ड्यूटी में आ जाएंगे तो उसको फैटिग इंडेक्स जो होता है वो अच्छा होता है और उसको इंक्लूसिव रेस्ट नहीं मिल पाएगा। और कंटिन्यूस ड्यूटी जैसा आपने बताया है उसको कॉन्सेंट्रेट करना एक से भी क्या, दो में अभी कंटिन्यूस इनको इतना आवर्स परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इनसे मैं यही पूछना चाहता था, एक टाइम में वो 30 आवर्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करते थे। हाँ मे भी उस टाइम में ट्रेन इतना फास्टर नहीं था और इतना टाइम तक चलता नहीं था एक साथ, देयर वाज मे बी लॉट मेनी ऑफ स्टॉपेज ऑल्सो, बट इज ऑल्सो द इशू ऑफ जैसे मैं CTC सेक्शन था वहाँ पर बीटे के एरिया वहाँ पे बिटवीन छपरा एंड गोरखपुर, तो एज ATR माई यूशू टू क्रिएट ऑटोमेटिक सेक्शन में जैसे आपकी प्रॉब्लम है तो हर एक किलोमीटर के बाद सिग्नल हो, इट्स लाइक ड्राइविंग ए ट्रक, नाउ ड्राइवर गेट्स नो रेस्ट। It's like driving in a very busy road. Car, driver, driving in a busy road. अगर आप हाईवे पे हो,
तो आपने अपना लेन पकड़ लिया 60-70-80 घंटे पे आप जा रहे हैं, आपको कुछ पास करना नहीं है। हाँ, आप बैठे हुए हैं, उसी की सब ठीक चल रहा, बट आपको कंटिन्यूसली एक्सेलेटर क्लच ये सब दबाना नहीं है। बट जब हर 1 किलोमीटर के बाद सिग्नल आता है तो ड्राइवर को कंसंट्रेट करना है और एक्ट करना है। देयर इज नो मेंटल और फिजिकल प्रेस। एक मिनट भी नजर नहीं हटा सकता और सिग्नल रिपीट करो, वो करो, ब्रेक लगाओ, तो इसका क्या बेसिक है? That's why I say कि एक अच्छा जो researcher है, we should use such people to determine these things. Making a mechanical officer or an electrical officer determine these things. एक gut feeling है हमको, but कोई modern हमारे पास skill नहीं है। एक अच्छा DME वगैरह या senior जो है, उसको gut feeling है कि ये ठीक है। But he is not an expert in that area. आजकल एक्सपर्टिंग है, आप स्टडी कर सकते हो, डिजाइन क्या होगा। क्यों ना, ये हमने तो दुरंतों में एक ड्राइवर को नॉमिनेट कर दिया, अभी वो तो कंटिन्यूस चल ही रहा। अब देन मैं ड्राइविंग को कभी किया नहीं, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि टफर टू ड्राइव अ गुड ट्रेन देन टू ड्राइव एन एक्सप्रेस ट्रेन। नाउ गुड ट्रेन 80 पे जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन 100-110 पे जा रही है। पैसेंजर ट्रेन में आपका ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंश्योर कि ब्रेक पावर आपका 100% होगा या 99.5% होगा। गुड ट्रेन में आपका यू नॉट एश्योर कि ब्रेक पावर कितना है, वैक्यूम में खासकर, वैक्यूम में तो कुछ भी परसेंटेज हो सकता है। एयर ब्रेक में थोड़ा सा 80-90% तो होता ही है। आपके पास पीछे लोड है 600-800 टन पैसेंजर ट्रेन में, गुड ट्रेन में आपके पास 3,000 टन है। कपलिंग स्लैक है उसमें, सिग्नल आपको हमेशा एक्सप्रेस ट्रेन में आपको कॉन्फिडेंस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थ्रू सिग्नल मिलेगा। गुड ट्रेन में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि अगला क्या रहेगा। अगला मेरी नज़र में तो एज ए नॉन रोड वॉट फैटिंग इट इज मच टफर टू वॉट विथ गुड्स। इन यूरोप the grade and skill for a goods train driver is the same as for a passenger. हम लोगों में क्या है कि हमने प्रमोशन के साथ स्किल को जोड़ दिया है। हमने प्रमोशन इसी गुड्स ड्राइवर इज ए टफर जॉब, आवर्स आर वेरी अनसर्टेन। पैसेंजर ड्राइवर इज ए वेरी लिंक में है, उसके आवर्स जो है थोड़ा आराम हो जाता है। His family life is better, he has to work lesser hours. उसका अगर आप टोटल ड्यूटी आवर्स देखती है पैसेंजर लिंक में 108 से बहुत कम होते हैं, 70-80 से ज़्यादा लिंक में बढ़ते नहीं है। 50-60 जो राजधानी ड्राइवर्स हैं दे वर्क 60-70 आवर्स, उससे ज़्यादा आप कभी बना ही नहीं सकते। बट हम लोग का ये है कि जैसे आदमी सीनियर होता जाता है उसको तरक्की देनी है, उसको चाहिए कि जितना सीनियर है उतना ज़्यादा उसको तनख्वाह देनी है, उसको ज़्यादा आराम देना। बट और जो असिस्टेंट से जब वो गुड्स में जाता है पहली गुड्स पे करता है, दैट इज द टफेस्ट पीरियड इन अकॉर्डिंग टू मी इन अ ड्राइवर्स स्किल राइट। दैट इज द टाइम ही नीड्स माइंड मैक्सिमम गाइडेंस, मैक्सिमम सिमुलेटर, मैक्सिमम अटेंशन टू द एलाय। जब वो पैसेंजर ट्रेन चलाने लगा तब उसके बाद आपको कुछ है नहीं, नथिंग नहीं। वो पीरियड भी एक तो है, असिस्टेंट ड्राइवर पीरियड होते हैं, ये आपके सिमुलेटर के ये सब बोलो ड्राइवर का सीक्रेट रहता है। 90% काम सीखना है
अपनी ड्राइविंग स्किल की बात ट्रबल शूटिंग की बात नहीं। अभी मैं लोगों के इंडियन ब्रेकर्स को छोड़ देता हूँ, लोग ट्रक्स आजकल बड़े बड़े लोग जो ट्रक्स होते हैं करोड़ों में रात रात एक चार पाँच घंटा सो लेता है दूसरा तो वो फीडर जो है वो पूरा ड्राइविंग कर रहा है, वो कोई सिमुलेटर उसको नहीं कोई नहीं सिखा रहा, तो आपके जमाने में सिमुलेटर नहीं था, नहीं कोई तो कोई नहीं सिखा रहा, मगर वो सीख ले क्यों उसको सिखा देते हैं, हम लोग के जमाने में तो था ही तो कोई स्कूल तो वो ऑलरेडी सीख लेते हैं, तो फीडर हमारे एक्सपेंड है वो फाइव उसके बाद वो तो वो पीरियड में मोर देन 90% अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तो मोर देन 90% सीखना अभी बुक थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल सीखना है, और उसमें क्या है आजकल कुछ कमी आ रही है ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा हो गया है, और स्कूल के अंदर एक्शन हो रहा है स्टूडेंट ड्राइवर कैसे चला रहा है, मगर रूल में जो है मगर सब हो सकता है, तो सेफ्टी इज नॉट ऑनली कि ड्राइवर के पीछे को, हाँ सेफ्टी इज ऑल्सो कि वार्निंग में बहुत था कौन सा चीज इन्वॉल्व होता है वहाँ क्या क्या आप बता रहे हैं, अभी ये किसी का है ड्राइवर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन कोचिंग ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन में खड़ा हुआ एक मिस पर खड़ा हुआ पैसेंजर पीछे गार्ड गार्ड लोडिंग या लोडिंग कर सिग्नल ले जा रहा है गार्ड गार्ड सिग्नल ले जा रहा है, हाँ और वो सिग्नल दे दिया और ये ट्रक ऐसा गार्ड सिग्नल देखा वो ग्रीन और गार्ड स्टार्ट गार्ड को लेफ्ट गियर छोड़ दिया, तो ये देखिए वो क्या वो टेंशन मेंटल टेंशन कल कर होता है अच्छा छुने ज़्यादातर तो आपके जो पॉलिसी वगैरह के हैं या उसके टेक्निकल हैं, लेकिन हाँ एडवांस ट्रैक्टर को देखिए उसको नहीं कर सकते, वो एक बार ठंडे में ऑपरेट होता है तो उसको माली भी वो करता है, मगर वो जब तक वो नहीं करेगा जब तक ऑपरेट नहीं होगा। इसमें मैंने एक किताब से ये पढ़ पढ़ के एक आर्टिकल बनाया है कि जो जॉर्ज स्टीवनसन थे वो स्टीवन सिस्टम वो पहला स्टीम इंजन स्टीम लोकोमोटिव और स्टीम इंजन बनाए थे, his life is still fascinating. Till he was 19 years old, he could not read and write. तो वो जैसे आप वो एक्चुअली उस जमाने में जो माइंस में पानी निकालने के लिए लोग इंजन स्टीम इंजन ओके वो उस इंजन पे एक क्लीनर की तरह एम्प्लॉय हो उधर से उसने अपने को खुद सिखाया, पढ़ा लिखा था नहीं कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके मतलब तो गट फीलिंग से ही वॉज एबल टू डिजाइन द एंटायर एंड जो कहानी सबको मालूम है कि एक कॉम्पिटिशन हुआ था और उसमें चार जितने को सबने सुनी थी, बट टिल आई रेड दिस बुक आई वाज नॉट अवेयर कि ये लड़का नॉर्मली यू थिंक कि भाई डिप्लोमा डिग्री कुछ किया होगा उसके बाद में हो सकता है, बट द ग्रेट थिंग इन दिस मैन इज ही वाज स्मूथ एज वेल, इन्वेंट्स वही से तो हुआ ऐसा जीरो से तो होता है। इसमें अदर थिंग आई लर्न इज दिस स्पेशली हीरो की नई रेलवे लाइन बननी थी, उसमें एक बार पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए थी, तो जो कंपनी वाले थे दे हैड प्रिपेयर्ड ऑल द प्लान एंड ऑल एंड देन पार्लियामेंट में सुन
हमारी जो सिलेक्ट कमेटी है या डोगी कमेटी है उसमें जॉर्ज स्टीवनसन वेंट टू प्रेजेंट द केस एंड ही वाज टोल्ड ये क्या जानता है। उस जमाने में एक था कि देयर वर टू वेज ऑफ रनिंग ए ट्रेन। पहले जब ट्रेन चलाते थे तो उसमें घोड़े लगाते थे, इट वॉज स्टील ऑन स्टील। अदर आइडिया वॉज कि आप ये लाइन में इंजन लगा लो, उसमें लंबी सी एक रोप लगा, रोप को वैगन के साथ बांधो और उसको विंच की तरफ खींच लो, जब ये यहाँ पे आ जाएगा दूसरा रोप लगा लो तो अच्छा। तो इट वॉज स्टेट बाई स्टेट था, स्टेट बाई स्टेट विंचिंग विंचिंग द कॉन्सेप्ट कि आगे एक रोपो रहेगा पीछे ट्रेन रहेगी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तो इंक्लूडिंग इन द पार्लियामेंट दिस पॉइंट वॉज कि तुम लोगों क्यों लगाना द जीनियस ऑफ दिस मैन वॉज ही वॉज इंसिस्टिंग कि आपका फ्यूचर में लोगों ही लगेगा एंड ही वॉज एक्चुअली ही कन्वर्टेड दिस टीम नेटेड जो आपका अभी है ना कि जो स्टीम इंजन में जो एग्जॉस्ट निकलता है वो पेटीकोट में जाता है वो बॉक्स में उससे उसका एग्जॉस्ट हो जाता है। इसका तो हमने तो जो था चाइल्डहुड में से इसका इन्फ्लुएंस नहीं था, चावल उसकी माँ बनाया स्टीम इंजन बनाया। ये तो ये नहीं दो चीज़ें, एक तो स्टीम इंजन जैसे पंप हाउस में आपका स्टीम इंजन और स्टीम इंजन, पहले तो स्टीम इंजन बना वो माइन वगैरह में काफ़ी रहते हैं। उसके बाद स्टीम इंजन जो है वो जेम्स बॉन्ड ने कैटल वगैरह को देखा उससे बाप निकलती देखी, उसके बाद उससे पहले जो है एयर इंजन बनते थे, हवा को गर्म करते थे तो बड़े बड़े इंजन होते थे उसमें पिस्टन लगाते थे लाइक ए स्टीम इंजन, बट इट वॉज एयर इंजन और उसमें ज़्यादा पावर नहीं आता। अगेन फॉर पंपिंग ऑफ द माइन स्टीम माइन की एक हॉट वॉट है जहाँ पर पहले उन्होंने एयर इंजन वन ऑफ दोज एयर इंजन स्टिल प्रिजर्व इन द ब्रिटिश कंपनी। तो दिस मैन डिड नॉट इन्वेंट द स्टीम इंजन, दिस मैन इन्वेंटेड स्टीम लोकोमोटिव एंड द कॉन्सेप्ट दैट आप ट्रेन को आगे लोको लगा के आगे खींचो वो तार से विंचिंग वाला एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग दिस कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन टू ओकेजन, फर्स्ट ओकेजन ही वाज रिजेक्टेड एंड सेकेंड ओकेजन ही वाज एक्सेप्टेड एंड ही वाज एज़ आई सेड अगेन एंड अगेन ही इज इलिटरेट व्हेन ही वाज 19, ही लर्न टू साइन हिज नेम व्हेन ही वाज 19 सर। दैट इज समथिंग व्हिच आई डिडंट नो। ये कुछ लोग किताबों में इतने इन्वेंशंस हैं जैसे देखिए इलेक्ट्रिक डीजल और स्टील का, इन लोग में ज़्यादातर इन्वेंशंस जूस पहले योगी उन लोग ज़्यादा इन्वेंस करते हैं, उनको बाइक बर्थ मिलता था। हमने देश के विचारक का बुक में एक बुक था जो बहुत ज़्यादा उनका भी इसमें था कि इनको खत्म करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कोशिश किया तो किया है इंग्लैंड बहुत ज़्यादा यूज मैं कहीं वो दो उनके वो देखता हूँ ना कंसंट्रेशन कैंप और जो गैस चैम्बर म्यूनिख के पास एक जगह दाताओ दाताओ में एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था उसमें गैस चैम्बर में और जो फिनिश जो उनकी डेथ्स तो बहुत होती थी तो एक चिमनी लगी रहती थी जहाँ पर बॉडीज जलाते थे एवरी डे दे हैड डेड बॉडीज टू बर्न फिनिश। जो पोलैंड में एक जगह है ऑस्विट्स, ऑस्विट्स में भी गैस चल रहा था
वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लोग क्या होता सिस्टम था कि मेरी ये सब जो लोग थे उनको उनको मारना होता था, उनको एक कम्युनल बाथरूम सा है जिसके ऊपर शावर लगे हुए हैं, उनको ले जाते थे कि नाउ ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट ए बाथ। अच्छा, तो वो सब लोग चले जाते थे उसमें और उसमें पानी में चला के वो गैस चला गैस चला जाता दैट वॉज गैस चला। अच्छा, so it was a group which was taken and killed. These are toxic type? Toxic gas. Toxic gas. But उसमें shower भी लगा रहा था. So the man did not know that he is going to get killed. बहुत बात है. तो वो ये सब देख के और जर्मन ने क्या किया है कि उन चीज को प्रिजर्व किया और उनको डॉक्यूमेंट किया, वहाँ पे सब चीज कोई छिपाई नहीं। अच्छा, अभी भी उसको पूरा यू कैन गो एंड इट इज इट्स अ पॉपुलर आई वुड से टूरिस्ट स्पॉट बट टूरिस्ट स्पॉट यू कैन गो टू ऑस्ट्रिच और टू दकाओ बट इट इज नॉट लाइक अ म्यूजियम टाइप इट्स अ म्यूजियम और कोई पूरा जो कंसंट्रेशन कैंप है इट इज लाइक 3-4 फुटबॉल फील्ड्स जो ऑस्ट्रिच है उसमें एक रेलवे साइडिंग भी था। Again, it was made there because his business used to come by train. In the barracks, the gas was used to go to barracks. He was in the barracks and in the morning, he roll call. And then he knew that today was going to die. And the Germans are very meticulous in very meticulous in reporting. So right from the first day, पूरा रिकॉर्ड है उनका कि इस कैंप में कितने लोग आए कौन कब मरा हो सम ऑफ द रजिस्टर्स और डिस्प्ले मेटिकुलस टू मेंटेन रिकॉर्ड्स आल्सो एंड व्हाट दीस पीपल आर आल्सो डूइंग दे हैव टू सपोर्ट द वॉर एफर्ट सो दे नीड इट फैक्ट्स फॉर ये रेसो बनानी है ऑयलिंग करना है ब्रीजिंग करना है इफ यू क्वेश्चन फैक्ट नॉर्मली एनी फैक्ट But the demand was so much that they were using the fat from these dead bodies to make soap. Dachau mein there is a doctor's chamber jahan pe experiments karte hain. The human bodies were used for soap, for making soap or for experiments. Jaise koi injection de diya wo marega ki nahi marega. So they had this jaise चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं गिनीपिग्स पे गिनीपिग सो ह्यूमन बॉडीज वर एक्चुअली यूज्ड एंड दे प्रिजर्व दोस प्लेसेस रिकॉर्ड्स यहां पे ये एक्सपेरिमेंट वो हिस्ट्री पढ़ने से दिमाग खराब है बट गोइंग टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस अभी जो है वो एंड नो अदर कंट्री दिखा अगर इंडिया में कोई ऐसी चीज होगी तो हम उसको विल डिनाई There's a small group. Very small group. We keep talking about the drama karte rahte hain. But jitne concentration camps hai, wo mostly they are people. Really? Aaj bhi to hai. The good thing about the, this unit and the one year permit, these two places are koi ram nahi hai. Koi effort nahi hai ki उसको बदल दें कहीं पे अगर कोई सड़ी हुई है तो सड़ी हुई रखती है और दकाओ में जैसे भी लार्ज रोज थे बैरक्स बहुत सारी तो उसमें ख़त्म हो गए बट एक दो बैरक्स हैं अभी भी जो प्रिजर्व उसमें वैसे ही घास खिंचा के कैसे लोग रहते थे और पूरा जो है उसमें कोई कहीं पे एक पेंट तो इट इज अ वेरी जैसे आप एंटर करते हो ना द एब्सेंस ऑफ कलर हिट्स यू
राष्ट्रीय मूड ऐसा ही पड़ता है कि वो एक छोटी सी चर्च बनाई है, वो खाली स्टोन की बनाई है, उसमें भी कोई राम नहीं है, कोई कुछ क्रॉस है, सिंपल सा क्रॉस है. एंड द एटमॉस्फेयर इज वेरी सेरीन, कोई म्यूजिक नहीं, नो म्यूजिक, नो नथिंग, कोई यूरोपियन कोई शोर नहीं होता, कुछ नहीं होता. वेरी जैसे ग्रेवयार्ड में जाते हैं ऐसा टाइप का फीलिंग है. और हर जगह उन्होंने फैक्ट्स या तो कुछ कई जगह टेप चल रहा है, टेप रिकॉर्डिंग्स एंड अदर थिंग्स जो ओरिजिनल रजिस्टर्स हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं. फुल ऑफ इनिशिएटिव जो भी इमिग्रेट करेगा उसमें
रिस्क लेने की काबिलियत ज़्यादा। अच्छा, जो भी बंगाल से बॉम्बे जाएगा थोड़ा ज़्यादा उसमें या तो ज़रूरत है या उसमें इनिशियल यूरोप में आप जाइए तो यू फाइंड कि ये बिल्डिंग 500 साल पुराना है, ये 700 साल विल गेट सम राजा था, ये चर्च 1100 में बनी है। वो अमेरिका में कुछ नहीं, वो एडवांटेज भी नहीं है और वो कई बार वो डिसएडवांटेज हो जाता है हमारे देश में कास्ट। And this attitude of as American and European, अमेरिका में कहते हैं कि पैसे की बहुत ज़्यादा है, यूरोप में पेडिग्री आपका फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल अवेलेबल मोर है, अमेरिका में जस्ट मनी टोटली मेटेरियलिस्टिक। बट अमेरिका में आजकल जो है रिलीजन का ज़्यादा दबाव, पीपल सीम टू रेस्पॉन्ड टू रिलीजन मोर। यूरोप में रिलीजन स्टॉप बीइंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अमेरिका में स्टिल इमिग्रेशन की वजह से थोड़ा रेस प्रॉब्लम, Muslims and America is a problem. Between Muslims and Europe, the problem is Muslims. In Europe, the problem is immigration, not Muslims. But the tussle is more between America because they are also, a lot of them are really fundamentalists. But it is because of this, yeah. Obama, Latin or before that? Huh? I have a question. Yeah. आज हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस टेक्निकल कैसा था वो रिकॉर्ड शायद नहीं है इनके पास। हाँ, मेंटेन हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू कहाँ सर, एटी 60 के पहले क्या ऐसा कोई थिंकिंग था? प्रिजर्वेशन का थिंकिंग